आत्मा कोई वस्त्र नहीं है कि मैला हो जाए या उसमें फट जाए या कुछ और कुछ हो जाए। आत्मा वस्त्र नहीं है। आत्मा जो तत्व है वो अलग ही तत्व है। ये समझो, आत्मा का वर्णन होगा तो परमात्मा का वर्णन होगा। आपने किसी दूसरे की खोज की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है स्वयं की खोज की। आपको आवश्यकता है अपने आप को खोज लेने की। आपको आवश्यकता है अपने आप को पा लेने की। आपको आवश्यकता है अपने आप को ढूंढने की। आपको आवश्यकता है कि इस, क्योंकि आत्मा इतनी तेजस्वी है, जब आप सुमरण करोगे नजर आएगा सब कुछ आपको। बाह्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना सुनने की आवश्यकता होगी, ना कुछ कहने की आवश्यकता होगी। बस एक बार सुमरण शुरू हो जाएगा और अजप्या जाप तक हम पहुंच जाएंगे। अगर वहां पहुंच गए तो फिर तो शुरू हो ही जाएगा। कर जपू न माला जपू, मुख से कहूँ ना राम, राम मेरा सुमरण करे मैं पाऊं विश्राम। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर एक बार इस तक पहुंच गए, फिर आपको वहां पहुंचने तक, स्वयं की खोज तक, इस संसार के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। कितना भी कोई ताकतवर हो, चाहे कैसा भी हो, यमराज हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शेष हो, कोई भी हो, ये तो बहुत नीचे की अवस्थाएं हैं जिनको हम बड़ा मानते हैं, पितर वगैरह, ये तो बहुत नीचे की अवस्थाएं हैं। तो ये कोई बड़ी वस्तुएं नहीं होती, ये कोई बड़े पद भी नहीं होते, लेकिन हम अनजान के कारण से, ना समझी के कारण से, हम अपने आप को न जानने के कारण से, जब तक आपके ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका रहस्य क्या है, जब तक आपको अपनी आत्मा का एहसास नहीं होगा, तब तक आप किस प्रकार से क्या कहेंगे, कैसे विचार बदलेंगे, वो आत्मविश्वास कैसे आएगा। श्री कृष्ण जी ने बार बार मैं का प्रयोग किया, बहुत बार मैं का प्रयोग किया। जहाँ भी गए उन्होंने आत्मा में स्थित हुए और ब्रह्म का आवेश लेकर के मैं का उपयोग कर दिया। तो ये मैं का उपयोग और उनका आत्मविश्वास देखो, उनकी जागृति देखो, तेज देखो, कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वत्र उन्होंने अपने आप को फैला दिया पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो इसी प्रकार से जब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर हूँ, कि जो ये आत्मा है ये सीमित दायरा नहीं है, ये अंदर भी है बाहर भी है, हम वही तत्व हैं जो सब कुछ है, तो फिर खोना और पाना कुछ शेष नहीं होगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, खोज आपकी पूरी हो जाएगी, लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा, इसी से आपका ये जो जन्म है ये सफल होगा। अगर आप चाहते हो कि हम जन्म को सफल बनाएं, उसकी परमात्मा की प्राप्ति करें, हम उसी उद्देश्य को लेकर के चले, तो संसार को न देख कर, जिस प्रकार आज आप सब कुछ छोड़ करके आ गए, बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके परिवारों ने भी मना की होगी, घर वालों ने भी रोकने की कोशिश की होगी, सबने मना किया होगा कि नहीं रात्रि में नहीं जाना, दिन में चले जाओ जहाँ जाना है। कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनको दिन के लिए भी परमिशन नहीं होती, वो लोग बड़े छुप छाप के आए हैं लेकिन पहुंच गए। तो उसी प्रकार से इतनी ही मेहनत और लगन के साथ, जब आप इतनी जिम्मेवारी के साथ जब भजन करना शुरू करोगे, जब सुमरण करना शुरू करोगे और आपके अंदर में लो जग जाएगी, जब आपके अंदर में विरह की अग्नि जल जाएगी,
कि कुछ भी हो जाए हमें तो इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो वो परमात्मा दूर नहीं रह सकता। आप सोचते वो क्यों आएगा हमारे लिए, वो क्यों नहीं आएगा आपके लिए, उसको कौन रोक सकता है? आपको रोक सकते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसको कौन रोक सकता है? जो ये विरह के आंसू हैं, जो आपकी लगन है, जो आपके अंदर प्रेम है, इस जब ये जागृत होता है ना, अपनी चरम के ऊपर होता है, तो उस परमात्मा को आने जाने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर में ही प्रकट हो जाएगा, ध्यान में ही प्रकट हो जाएगा, सब रूपों में प्रकट हो जाएगा, सब आपके सामने चारों तरफ खड़े दिखाई देंगे। देवताओं को तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप वहीं रुक जाते हो कि बस छोटा सा दो चार सपने दिख गए, छोटा सा ध्यान में अनुभव हो गया, शरीर थोड़ा हिला डुला, कुछ सुनाई दिया, कुछ प्रकाश का छोटा मोटा एहसास हुआ, कुछ वस्तुओं का अनुभव हुआ और बस हो गया काम। ऐसा नहीं, इनको आप साइड में करके अपनी मंजिल निर्धारित करो, अपने भय को त्याग दो, परमात्मा की तरफ बढ़ो, भय से दूर जा करके। माया, ये माया कोई अपने आप भाग भाग करके नहीं लिपटती, ये हमने मान लिया, मन से मान लिया, विचारों से मान लिया कि मुझे बांध रखा। आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आपको कोई बांध भी नहीं सकता। जीव जीवन मुक्त है, लेकिन भ्रम के कारण से, भय के कारण से, और विकारों के कारण से, और परिस्थितियों के कारण से हमने अपने आप को शरीर मान लिया, आत्मा नहीं माना। जब हम शारीरिक तल के ऊपर आते हैं तो सब प्रकार के विचार उठते हैं, सब प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, सब प्रकार के जितने भी आप देख रहे हो वो सब प्रकार के रिश्ते और बंधन आ जाते हैं। लेकिन उनमें रहते हुए भी जब आप इतना मजबूत संकल्प हो जाएगा कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये मजबूत होगा कैसे? ये अनुभव के बिना नहीं होगा। जब तक आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, अगर आप सोचो कि 10 मिनट बैठे और अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर आप सोचो कि मैं तो आज आधा घंटा लगा दिया और बड़ी बड़ी बातें प्रवचन किए और मैंने उसको समझा दिया और आप सोचो ब्रह्म हो गए, ये ब्रह्म नहीं। ब्रह्म वो है जो आप खोज करके, जिसको आप पाना चाहते,